जा कभी दिल ना टूटे प्यार में। हारिस, उस कमरे में कदम रखने की हिम्मत कर लोगे जहां आज कोई तुम्हारा मुंतजर नहीं है? काश तुम इस घर का रास्ता भूल गए होते। मैं ये सोच के दिल को तसल्ली दे लेता कि अपने किए पे पछतावे ने तुम्हारे कदम रोक लिए। अब ये पछतावे जिंदगी भर साथ रहेंगे पापा, कि मैंने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की जो मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। क्या बुराई थी उसमें? कोई एक गिनवा सकते हो तो मुझे भी बता दो। आपको क्या लगता है, मजहर जो कुछ कह रहा था वो गलत था? आप यकीन जाने पापा, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि वो गलत है। मैंने तो सोच लिया था कि आज वो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा, लेकिन आयशा ने उसकी सारी बातें सच साबित कर दी। आयशा ने मजहर की किसी बात को सच साबित नहीं किया, उसने सिर्फ ये साबित किया है कि उसने तुम्हारे साथ वफा करके गलती की। उसने ये साबित किया कि तुम उसके काबिल ही नहीं थे। जो मर्द तीन लोगों में अपनी बीवी का दिफा ना कर सके, उस मर्द को किसी बीवी का शौहर कहलाने का हक ही नहीं होता। सो जाओ तुम जाके, वो अब सुबह ही आएगा। कुछ बता कर गया कि कहाँ जा रहा है? पूछा था मैंने, लेकिन इतना कहा कि उसको आते हुए सुबह हो जाएगी। फोन भी ऑफ आ रहा है उसका। ऐसा कौन सा काम है जो सारी रात घर से बाहर गुजारनी पड़ रही है उसे? मैं क्या कह सकती, ये तो वही बता सकते। चलो सो जाओ। Thank you.
मज़र तुम कहाँ हो? तुम्हें जैसे ही मैसेज मिले मुझे फौरन कॉल करो, बल्कि घर आओ वापस। जो मर्द तीन लोगों में अपनी बीवी का दिफा ना कर सके, उस मर्द को किसी बीवी का शौहर कहलाने का हक ही नहीं होता। सुबह बड़ी मुश्किल से आंख लगी है उसकी, इसलिए मैंने नहीं जगाया अभी। अच्छा क्या, उसे सो लेने दो, इसी तरह उसे सुकून मिल जाएगा। नहीं फरहान, सुकून तो उसे तब मिलेगा जब उसे ये लगेगा कि जो कल का दिन गुजरा वो ख्वाब था और कुछ भी नहीं। खुदा करेगा कि वो इस आजमाइश से भी निकल जाएगी। नहीं फरहान, ये वक्त तो उसकी जिंदगी में ठहर गया है। हारिस ने कल उसे घर से निकालते वक्त कहा था कि उसने उसे अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया। हारिस को जब अपने किए पे नदामत होगी ना, तो वो खुद उसे लेने के लिए। नहीं नहीं नहीं, जहां इस तरह के इल्जाम लग जाएं, वहां फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। देखो नुजत, शैतान का सबसे पसंदीदा काम मियां और बीवी के दरमियान रेखना डालना होता है, अलहदा करना होता है। जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है, पर खुदा ना करे कि वो अपने मकसद में कामयाब। हाँ, जो कुछ करना है करें, यानी अपनी गलती का सारा मलबा शैतान पर डाल दें बस। नहीं, अब अगर वो हमारे घर में आए तो उन्हें यहां से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बस ठहर जाएं, मैं देखती हूं। राहिद बाजी आए, आए ना अंदर। वालेकुम सलाम। अगर आप ना भी आती तो मैं और नुसरत आपके घर आने वाले। कैसे नहीं आती, मुजरिम हूँ आप लोगों की। आप लोगों ने मेरे और फैजी के लिए इतना सब कुछ किया है, और आज मेरे फैजी की वजह से आशा पर इतना बड़ा जुल्म टूटा। नहीं ना इतना जी, कैसी बातें कर रही हैं? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें? हमें तो दुख इस बात का है कि उन लोगों ने आयशा के साथ साथ फैजी के दामन को भी दावदार किया। भाभी फैजी ने कभी भी नहीं चाहा था कि आयशा बेटी की जिंदगी में कोई तूफान आए। उसने तो अपनी मोहब्बत को रोग बनाकर अपने सीने में दफन कर लिया, कभी अपनी जबान में भी नहीं आने दिया। ये क्या कह रही हैं आप? इसका मतलब है कि फैजी के बारे में जो बातें हो रही थी वो सच है? भाई साहब, फैजी आसान फरामोश नहीं है। वो आशा बेटी से तब से मोहब्बत करता है जब वो इसके मायने भी नहीं जानता था। तुम्हारी कोई भी कही हुई बात बिल्कुल भी नहीं भूलता। खुद अपने लिए खुशियां मांगने की सकत नहीं है मुझे। आपने दुआ कर दी, यही बहुत है मेरे लिए। और ये भी सच है, खुदा के बाद इस राज को सिर्फ मैं ही जानती हूँ। काश अब भी ना करती, कम से कम हमारे दिलों में जो आपका मकाम था वो तो कायम रहता। उसने तो कभी भी एहतराम का दामन नहीं छोड़ा, कभी भी आशा बेटी को नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसने मोहब्बत जरूर की है, लेकिन इबादत की तरह। उसने तो सिर्फ खुदा से उसका हाल बयान किया है, ना कभी आशा बेटी को खबर होने दी और ना ही किसी और को। बस अब और कौन सी बिजली गिरानी है आपने हमारी बच्ची पर? आप यकीन करें, फैजी की नीयत कभी बुरी नहीं थी।
अगर उसकी नीयत बुरी नहीं थी तो उसने उस घर में रिश्ता क्यों किया? वो निमरा से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो आशा बेटी ने इसरार किया तो इसलिए राजी हो गया, क्योंकि सारी जिंदगी आशा बेटी ने उसे नवाजा है। उसने मोहब्बत जरूर की है लेकिन इबादत की तरह। इन ना जाने कितने लोग आपसे मोहब्बत करते होंगे, हर मोहब्बत के बदले में क्या वाजिब अदा करती रहेंगी? से कौन मोहब्बत करता है? इसी बात का तो आपको अंदाजा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपको जान पाए और आपसे मोहब्बत ना करे? मुझे शादी नहीं करनी आशा, आप मुझे मजबूर मत करें। तुम इसलिए भी नहीं कर सकते कि मैं कह रही हूँ। खुद को ऐसे तनहा मत करो बेटा। मम्मा मैंने शायद आशा को भेजने में जल्दी कर दी। पापा को भी यही लगता है कि आशा बेकसूर है। अभी शायद वो गुस्से में है इसलिए उनको बात की नजाकत का एहसास नहीं हो रहा। जब बात की नजाकत को समझेंगे ना तो खुद ही आयशा की असलियत का एतराफ कर लेंगे। क्यों निमरा से बात हुई आपकी? पछताएगी वो अपने फैसले पर। तो आप क्या उसके पछताने का इंतजार करती रहेंगे? मैं उसे जबरदस्ती नहीं ला सकती हारिस। तो बस ठीक है, आप कह दें उसे अगर उसने फैजी के साथ अपना रिश्ता कायम रखना है तो हम सबसे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे उसे। अगर उसे इन रिश्तों का इतना ही ख्याल होता तो इस वक्त फैजी के साथ ना होती। आयशा के घर से किसी ने राब्ता किया? वो क्यों राब्ता करेंगे और किस मुंह से करेंगे? वो तो जमाने से अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आयशा, बेटे तुमने फैजी से कहा था निमरा से शादी के लिए? हाँ, क्योंकि निमरा फैजी को बहुत चाहती थी। आयशा क्या किया ये तुमने, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं तो सिर्फ फैजी और निमरा के लिए अच्छा सोच रही थी मामा। नहीं बेटा, जिस अच्छाई का बदला तुम काट रही हो उसमें फैजी भी बराबर का कसूरवार है। नहीं मामा, मैं फैजी को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। उसकी मोहब्बत से वाकिफ नहीं थी लेकिन मैं उसके एहतराम से वाकिफ हूँ, उस इज्जत से वाकिफ हूँ जो उसने मुझे हमेशा दी है। वो कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकता मामा। तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है आगे का? किस बारे में? हारिस देखो बेटा, बुरा नहीं मनाना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी के साथ जुल्म करने की सजा मिल रही है? मेरा मतलब है कि आयला ने तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से खुलूस से चाहा और तुमने हमेशा उसकी इंसल्ट की, और जिस पर तुमने भरोसा किया उसने तुम्हारी रूह तक को लहूलुहान कर दिया। आप ठीक कहती हैं, शायद मुझे आयला का दिल तोड़ने की ही सजा मिली। तो फिर आयला को अपना लो बेटा। आयशा ने जो भी किया आयला का साथ ही उसके लिए बेहतरीन मरहम है और आयशा के लिए इंतकाम भी। आयशा को क्या फर्क पड़ता है मम्मा? सही कह रहे हो तुम, ऐसी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं समझा था कि तुम रात वहीं रुकोगी, अगर मुझे पता होता कि तुम घर आ रही हो तो मैं भी पहले आ जाता।
मेरी कॉल्स नहीं रिसीव की, किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। ऐसी कौन सी जगह पे थे जहां तुम अपने फोन से भी बेखबर थे? हाँ, दोस्तों के साथ गपशप में लगा हुआ था, टाइम का अंदाजा नहीं हुआ। अच्छा, आज से पहले तो तुमने कभी रातें बाहर नहीं गुजारी घर से? किंजी इंसान हूं मैं, मुझे भी हक है दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं खुद को उन लोगों की गिरफ्त से निकाल नहीं पाई जो हमने साथ बिताए थे। मसर, अब देर मत करना, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हेलो हेलो, तुम्हें क्या हुआ? कहां थे तुम रात और किसके साथ थे? पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूं मैं पागल। पागल हो गई हो तो घर दफा हो जाओ। जब बता दिया है कि दोस्तों के साथ था तो बार बार सवाल पे सवाल करने का क्या मकसद है? उसका फोन आया था जिसके साथ तुम सारी रात थे। कहती है कि अब उससे और दूरियां बर्दाश्त नहीं है। चलो अच्छा हुआ तुम्हें खुद पता चल गया। सुंबल नाम है उसका, मोहब्बत है मुझे उससे, निकाह कर रहा हूं। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बताओ क्यों दिया मुझे धोखा? अपनी औकात में रहो और अगर नहीं रह सकती तो दफा हो जाओ यहां से अपने घर। द चॉइस इज योर्स। हारिस का जहीर वो ऑफिस गया है क्या? वो आयशा के गम को दिल से लगा कर घर में बैठ जाए? बेहिस लोगों से ऐसी तवक्को रखना हिमाकत ही होती। मैंने तो हारिस से कह दिया है, अब आगे की सोचे। आयशा को तलाक देनी है या नहीं देनी, लेकिन अब आयला को अपनी जिंदगी में ले आए। खुदा का खौफ करो, बेटियों की माँ होके तुम ऐसा सोचती हो? इस पे गलत कौन सी बात है? अरे किंजी आ बेटा। मामा, क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि रात मेरे पास रुक जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। क्या हुआ है? बैठो। सर दूसरी शादी कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि आयशा की मन्नत करके उसे कायल कर लूं। इस्लाम के अहकामात की इतनी पाबंदी करती है तो इस फैसले को कैसे रद्द कर सकती है कि इस्लाम में ही मर्द को चार शादियां करने की इजाजत है? तुम जानते हो मैं ऐसे बात क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि मैं तुम्हारी रजामंदी चाहती थी। तुम मान जाते तो मैं आयशा को भी मना लेती। आयशा मेरी जिंदगी में कहीं नहीं। और मैं क्या मुझे मौका दोगे आयशा की छोड़ी हुई जगह अपनी मोहब्बत से पूर करने की? उन्हें जाने कब से उस औरत के साथ है और मुझे अब जाके पता चला है। वैसा कैसे कर सकता है? पता नहीं, लेकिन उसने बोला है कि अगर मैं चाहूं तो घर से निकल सकती हूँ। कितनी जुर्रत? जुर्रत नहीं है दुर्दाना, इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। ये है वो मकाफात अमल जिससे हम लोग डरते नहीं। और किंजा बेटा, तुम क्यों रो रही हो? हमारे मजहब में तो मर्द को चार शादियां करने की इजाजत है,
पापा ये आप कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, अभी कुछ देर पहले तुम्हारी माँ ने मुझे याद करवाया। जिस शख्स के कहने पे तुम लोगों ने आयशा को घर से निकाल दिया, आज उसकी अपनी खिलाफतें बगैर किसी गवाही के सबके सामने आ रही हैं। मैं उसे नहीं बुला सकता। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम उसे बुला दो? मुझे मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए हारिस। मैं अपनी मोहब्बत से उसकी तमाम यादों को खुरच डालूंगी। ये भी तो जुल्म ही हुआ ना, इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला दे। मैं तुमसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं करूंगी। एक बार मुझे मौका दे दो। मेरी मोहब्बत सबकी नजरों में मुतबर हो जाएगी, तुम्हारा नाम मुझे मिल जाएगा, तो मैं सबकी नजरों में फिर से मोहतबर हो जाऊंगी। हारिस प्लीज, बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझसे तुम्हारी दूरी नहीं सही जा रही हारिस। एक बार मुझे मौका दे दो। मेरी मोहब्बत सबकी नजरों में मुतबर हो जाएगी। हाय एला, कैसी हो? समी, आई एम रियली हैप्पी। आई एम सो हैप्पी आई कांट टेल यू। एक गुड न्यूज है और सोचा कि सबसे पहले तुम्हें फोन करके बताऊं। किस चीज की खुशखबरी भाई? मैंने तुम्हें कहा था ना समी कि कभी ना कभी मेरी मोहब्बत को मंजिल जरूर मिलेगी। वो दिन आ गया है समी। आयला, व्हाट आर यू सेइंग? हारिस ने मुझे प्रपोज कर दिया समी, उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन हो गया है। चलो तो तुम कह रही हो तो आई टोनी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच समी, तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते समी। फाइनली ही इज माइन। तुमने आयला को क्या उम्मीद दिलाई है? उसने बता दिया तुझे क्या? तूने उसे प्रपोज किया क्या? बहुत डिस्टर्ब है यार, और उसकी हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। यार हारिस, मियां बीवी के बीच में डिफरेंसेस आते रहते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत बढ़ के हो तो ये डिफरेंसेस खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को इन डिफरेंसेस का फायदा नहीं उठाने देते। आयला ने मेरी वजह से बहुत सफर किया है यार, तू तो जानता है सब कुछ। यार हारिस, वो झूठ बोल रही है। फहीम नाम का कोई लड़का उसकी जिंदगी में नहीं है, और ये जो सारा नाटक जो उसने तुम्हारे सामने किया था ना कि उसके अब्बा उसकी शादी करा रहे हैं, ये सब एक बहुत बड़ा झूठ था। उसने तुम्हें अपनी जाल के अंदर बहुत बुरी तरह ट्रैप कर लिया। तू ये सब कुछ कैसे कह सकता है? यार क्योंकि मैं उसके सारे प्लान से वाकिफ था। चर मानी चाहिए तुझे, तू सब कुछ जानता था और तूने मुझसे छुपाया। मेरी जिंदगी को दोहराए बिना के खड़ा कर दिया तूने यार। मुझे थोड़ी मालूम था कि तू इतना कमजोर पड़ जाएगा हारिस।
जिस रात में तुम्हारे घर रुका था तुमने कॉफी में क्या मिला था? मुझे इस बात का अंदाजा तो था कि मुझे हासिल करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, लेकिन तुम इतना गिर सकती हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फोन का है तुम्हारा? मेरी बात कराओ जरा फहीम से, मैं भी तो देखूं कि वो कौन है जिसकी गैरत तुम्हारे घर में एक मर्द के होने से जाग जाती है लेकिन तुम्हारे इस घर में तन्हा रहने से नहीं जागती। क्या बातें कर रहे हो तुम? ये फिर तुम्हारा दिमाग किसी ने मेरा दिमाग किसी ने खराब नहीं किया है। सच्चाई ये है कि फहीम नाम का कोई शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मेरी बात हुई तुम्हारे पापा से, यहां देखो मेरी तरफ। तुम सोच रही होगी ना कि मेरे पास तुम्हारे पापा का नंबर कहां से आया? तो बिजनेस सर्किल में किसी का नंबर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तुम्हारे पापा से मैंने पूछा कि अंकल ये फहीम कौन है, उन्होंने कहा वो फहीम को जानते ही नहीं। तुमने मेरे साथ इतना घटिया खेल खेला, तुमने मुझसे मामा से आयशा से और न जाने किससे कितने झूठ बोले। ये सच है, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। तुमने हर बार मेरी मोहब्बत को अपनी नफरत से रौंद डाला। मैं थक गई थी तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त कर करके हार। मैं जीना चाहती हूँ। जी लिया तुमने जी लिया। खुद को मजलूम साबित करके तुम मेरी मोहब्बत कभी नहीं हासिल कर सकती थी, रहम और हमदर्दी हासिल कर सकती थी, वो तुमको मिल गई। आज मैं तुम्हें वो बात बोलूंगा जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बोली। मैंने इस दोस्ती के रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुमने कभी लाज ही नहीं रखी इस रिश्ते की। और अब मैं तुमसे नफरत करता हूं, शदीद नफरत करता हूं मैं तुमसे। हारिस, हारिस, मेरी बात सुन। हारिस, मेरी बात सुन। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने नफीसा को फोन किया था, खूब सुनाई मैंने उसे। क्यों? उस बेचारी का क्या कसूर? माँ की बात कब मानता है वो? तुमने खुद ही बड़े फखर से बताया था कि माँ की मौजूदगी में भी वो बीवी ही की मानता है। बस आप तो रहने दें, हर वक्त मुझे ताने ही देते रहते हैं। हारिस से बात करूंगा मैं। कैसी बात? क्यों आयशा को वापस ले आए? वो उसे कभी वापस नहीं लाएगा। बड़े साहब आओ। बाहर फैजी साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूं। जी अच्छा। उसकी इतनी जुर्रत कि वो फिर यहां आ गया? दुर्गाना, वो मुझसे मिलने आया है तो शायद को ऐसी ऐसी बात नहीं करोगी। उसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया फिर भी आपको उससे मिलने की ख्वाहिश है?
वो इस घर का दामाद भी है। इतनी जिल्लत के बाद अगर वो चल के आ गया है तो ये उसकी आला सरफी है। अगर किसी ने उससे कोई गलत बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर सही बात है। अंकल सॉरी, मैं आपको बिना बताए आ गया। बेटा इस तरह अजनबीयत से बात मत करो। मैं मानता हूं इस घर में तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन तुम्हारा इस घर से रिश्ता अभी बाकी है। अंकल निम्रा नहीं जानती कि मैं यहां पर आया, क्योंकि उसको लगता है कि इस घर में मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। बोलो। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, वो सच जो निम्रा के अलावा इस घर का कोई भी फर्क नहीं जानता। बेटा अगर तुम अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाओगे तो मुझे अफसोस होगा। मुझे तुमसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है, तुम मेरे बेटे हो। इसलिए अंकल के आपको पूरा सच नहीं पता। सच सुनने के बाद भी अगर आप मुझे इतना ही मान देंगे तो मैं वाकई समझूंगा कि आप मुझे अपना बेटा समझते हैं। बैठो बैठो। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? यकीन करेंगे ना आप मेरी बात का? बेटा सच अपना यकीन खुद दिलाता है। बोलो क्या कहना चाह रहे हो? मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहूंगा। देखो बेटा, मुझे किसी कसम की किसी हल्फ की जरूरत नहीं है। अंकल इस सब में आयशा का कोई कसूर नहीं। मुझ पर और आयशा पर जो बोहतान लगाया गया है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। आयशा को तो इस सब मामले की खबर भी नहीं है। इसका मतलब है तुम आयशा से? अंकल प्लीज, कोई गलत लफ्ज मत कहिएगा। बचपन से ही मैंने आयशा को एडमायर किया है, आइडलाइज किया है, और क्यों ना करता। एक सहमे हुए यतीम बच्चे को उसने हिम्मत दी। मेरी जगह कोई भी होता, मेरी जगह कोई भी होता तो उसे पूछने लगता, अगर ये गलती है तो हां मुझसे गलती हुई है। मैं आयशा की केयर और मोटिवेशन से इतना इंस्पायर हो गया कि न जाने कब उससे मोहब्बत करने लगा। लेकिन यकीन जानिए, खुदा गवाह है कि मैंने अपनी मोहब्बत को हमेशा इस दुनिया से छुपाए रखा। इस मोहब्बत की खबर आयशा तक क्यों नहीं हो सकी? और मेरी मोहब्बत का गवाह खुदा के बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ मेरी माँ है, जिसने हमेशा मेरी खुशी से पहले आयशा के सुख के लिए दुआ की। अब अंकल आप ही मुझे बताएं, जिस बात की खबर आयशा को भी नहीं तो सजा की हकदार वो कैसे हो गई? अगर ये सब कुछ सच है तो फिर तुमने निम्रा से शादी क्यों की? मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, बल्कि मैं और मेरी मां ये शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। चूंकि आयशा मेरी जात में छुपे इतने बड़े सच से वाकिफ नहीं थी तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं निम्रा की मोहब्बत को ना ठुकराऊं। और सच यही है कि मैं आयशा की खुशी की खातिर उसको इनकार नहीं कर सका। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने महज आयशा के कहने की वजह से निम्रा से शादी की, वरना निम्रा की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। एक मोहब्बत में हारे हुए शख्स को बेपनाह मोहब्बत मिल जाए तो उसकी हार की अजियत कम हो जाती है। निम्रा ने मुझसे इतनी मोहब्बत की कि मैं आयशा का एहसानमंद हो गया कि उसने मेरे लिए इतने अच्छे शख्स का इंतखाब किया। अच्छा, जो कुछ तुम कह रहे हो अगर सच है
तो इस बात को साबित करने का क्या सबूत है तुम्हारे पास? आयशा की बेगुनाही की गवाही अगर तुम्हारा दिल नहीं देगा तब तक मेरे अल्फाज सारे बेमायने, लेकिन यकीन कर सको तो कर लो, जब से आयशा ने पर्दा करना शुरू किया मैंने उसे नजर उठाकर तक नहीं देखा और ना ही आयशा ने अपना चेहरा मुझे दिखाया। मैं आज तक उसके लिए नामहरम। मैं आप लोगों का मुजरिम हूं, मुझे आप लोग जो भी सजा तजवीज करेंगे मुझे कबूल है। क्या सोच रहे हो? अगर ये सच कह रहा था तो फिर आयशा ने अपनी पाक दामनी की गवाही क्यों नहीं दी? आरिस, ऐसी बातें इंसान या अपने आप से करता है या उससे जिसे वो अपना समझता हो, और जब वो अपना ही उसे ऐसा सदमा दे तो फिर वो उसके रवैये पे परेशान हो या अपनी पाक दामनी की गवाही दे। मैं बस ये जानता हूं कि अगर वो सच्ची थी तो उसे नहीं जाना चाहिए था, उसे अगर बताना होता तो सबके सामने बताती, वहां क्यों खामोश खड़ी रही? जरा सोचो, ये सब कुछ जानते हुए सच होते हुए जब वो चुप रही तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? शर्म आ रही मुझे कि तुम मेरे बेटे हो। एक ऐसा शौहर जो लोगों की तोहमत पे अपनी बीवी को लाके कटहरे में खड़ा कर दे, और न सिर्फ कटहरे में खड़ा करे बल्कि सजा भी दे डाले। तुमसे तो निमरा अच्छी है जिसने फैजी का एतराफ सुन के उसके दुख को अपने दामन में समेट लिया, उसे छोड़ा नहीं, उसका ख्याल रखा, और तुमने सिर्फ आयशा का हौसला ही नहीं तोड़ा उसे भी तोड़ दिया। मैं आयशा की केयर और मोटिवेशन से इतना इंस्पायर हो गया कि न जाने कब उससे मोहब्बत करने लगा, लेकिन यकीन जानो खुदा गवाह है कि मैंने अपनी मोहब्बत को हमेशा इस दुनिया से छुपाए रखा। इस मोहब्बत की खबर आयशा तक क्यों नहीं हो सकी? और मेरी मोहब्बत का गवाह खुदा के बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ मेरी माँ। जिस बात की खबर आयशा को भी नहीं तो सजा की हकदार वो कैसे होगी?